Hi everyone, welcome to J Chemistry. So this recruitment is from Hindustan Petroleum Corporation Limited. मैंने पहले भी कुछ टाइम पहले भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि HPCL में वैकेंसीज आई हैं, लेकिन उन वाली वैकेंसी में क्या था, आपसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ था और साथ में MSc चाहिए थी. तो लेकिन जो ये वाली वैकेंसी आई है इसमें क्या है, आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है. तो देख लेते हैं इसकी डिटेल्स. तो HPCL, जैसे कि आपको पता होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ ए नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर. It has the second largest petroleum product pipelines network in India. और जो ये वैकेंसी आई है, जो फॉर्म्स फिलिंग स्टार्ट होगी वो आज से ही स्टार्ट होगी, मतलब 1 सितंबर 2019 से लेके, और जो लास्ट डेट है वो है 30th सितंबर 2019. तो लास्ट डेट का ध्यान रखना. और जो हमारे काम की है, केमिस्ट्री वालों के काम की वैकेंसी है, वो ये है लैब एनालिस्ट वाली. इसमें क्या है, या तो आपके पास BSc हो मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री, और MSc इन केमिस्ट्री विद फर्स्ट क्लास, मतलब 60% होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपके पास BSc में ये तीन सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में आपके पास 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर अगर आपने MSc आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपके MSc में भी 60% मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद जो है, देखो वैकेंसी देखो, अनरिजर्व में लिखा हुआ है 9, EWS 1, SC 1, ST कैटेगरी 1, OBC 4. तो अब देखो, जो ये 4 और 5 नंबर पे, जो सीरियल नंबर पे जो दो पोस्ट यहाँ पर हैं, एक लैब एनालिस्ट है और एक है जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर. तो इन दोनों की कंबाइंड करके अनरिजर्व्ड की 9 वैकेंसीज का ध्यान रखना है. तो जो लैब एनालिस्ट वाले हैं इसके लिए टोटल 4 वैकेंसीज ही हैं, और जो ये साइंस, जो ये जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर है, इसकी 12 पोस्ट है. तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है. उसके बाद आप अगर मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काम किस तरह का करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है लैब एनालिस्ट वाले कॉलम में, तो ये सब आप देख लेना. उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है. अच्छा, एक और बात, ये जो PDF है, इसका लिंक, इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो के, वहाँ से चेक कर लेना. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन्स. तो मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि मैम हमारी MSc अभी फाइनल सेमेस्टर में, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. अगर आप BSc के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 सितंबर तक. बाय कंप्लीट मेरा मतलब है कि आपके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए. ऐसे ही अगर आप MSc के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपकी MSc कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए आज वाली डेट में. ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है. और एक और चीज़ मेंशन करी हुई है, ऑल द क्वालिफिकेशंस शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स. अगर आपने कहीं कोरेस्पोंडेंस से या फिर पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड से करी हुई है अपनी BSc या फिर MSc, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए, अप्लाई मत करना. जो सीरियल नंबर 5 पे जो पोस्ट है, जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर पोजीशंस, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट, मतलब जितनी भी 4 जो पोस्ट हैं, उनके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए. और ये 60% मार्क्स का मतलब होता है एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर्स और ईयर्स, मतलब आपके ओवरऑल सारे सेमेस्टर्स का कंबाइन करके आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए. ठीक है, और जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको रिलैक्स करके कर रहा है 50%. अगर आप SC ST कैटेगरी या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कितना है, 50% मिनिमम होना चाहिए. एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज कहाँ पर काउंट होगी, मतलब कौन से डेट से काउंट होगी, 1 सितंबर 2019 से. तो आपकी मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2019, एंड मैक्सिमम शुड बी 25. अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, 18 से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं. यहाँ पर ना एक और लिखा हुआ है, द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट. अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हो, आपका आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, स्किल टेस्ट में इंटरव्यू भी हो सकता है, कोई और टास्क भी हो सकता है, तो अगर आपको उसके लिए कॉल किया जाता है, तो अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा. और यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है ये, द OBC कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन एडमिसेबल टू OBC NC कैंडिडेट्स, एंड सच कैंडिडेट्स विल हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज अनरिजर्व्ड. तो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्रीमी लेयर, तो आपके लिए कोई भी कंसेशन यहाँ पे नहीं होगा. और आप कैसे अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे, आपको OBC फिल नहीं करना है.
और इसकी सारी डिटेल्स आपको कहाँ पर मिलेंगी, वेबसाइट है www.hpclcareers.com, तो यहाँ पर जाके आपको ये PDF मिल जाएगी अगर आपको चाहिए, और यहाँ पर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो। और एक और वेबसाइट है www.hindustanpetroleum.com, ठीक है। उसके बाद इफ़ द SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD EWS सर्टिफिकेट हैज़ बीन इश्यूड इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सेम इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी को छोड़ के किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको खुद से एक ट्रांसलेटेड कॉपी सेल्फ सर्टिफाइड आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 years है फॉर SC and ST कैटेगरी, 3 years है OBC नॉन क्रीमी लेयर, और ये सब आप देख लेना, 10 years है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व कैटेगरी, तो ये सब आप चेक कर लेना। और जो कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, आप ये सारी ना चेक कर लेना, 1st January 1980 से लेकर 31st December 1989 के बीच में अगर आप मतलब डोमिसाइल हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो आपको 5 years का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। तो एक बार ये पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैं मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, अभी सिलेक्शन कैसे होगा, कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी। तो कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्टिव पोजिशंस विल बी कॉल्ड फॉर अ रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये सब अब कैसे फाइनल होगा, आपको फाइनल वेबसाइट जैसे आप फिल कर लोगे तो वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा, तो आपको वेबसाइट को विजिट करते रहना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद उसमें आएगा क्या, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जनरल एप्टीट्यूड आएगा और साथ में आएंगे आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, इसका ध्यान रखना है। और जो सेंटर्स होंगे, सेंटर्स में 5 सेंटर्स हमें मेंशन करे हुए हैं टेस्ट के लिए, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। और यहाँ पे साथ में ये भी लिखा हुआ है, HPCL reserves the right to cancel or add any center, और कैंडिडेट may be called for written test at any center other than his choice। तो ये भी हो सकता है जो आप चॉइस फिल करो वहाँ पर आपका ना आए, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर फिल करते हो वही सेंटर आपको मिल जाता है। तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट या CBT में, दे विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ, जो स्किल टेस्ट है ना उसके आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपके ओवरऑल सिलेक्शन में, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मतलब आपको रिटर्न टेस्ट के बाद जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या फिर स्किल टेस्ट जो उन्होंने लिखा है उसके लिए, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किसके बेसिस पे, आपके रिटर्न टेस्ट या फिर CBT जैसा भी होगा उसके बेसिस पर होगी। The candidates qualifying skill test will have to appear for pre-employment medical examination. तो medical test भी होगा आपका final selection से पहले। उसके बाद salary का क्या सीन है, salary यहाँ पे लिखा हुआ है will be minimum ₹40,000 per month on cost to company basis, और CTC जो है cost to company is for candidates posted in metro cities, तो यहाँ पे लिखा हुआ है minimum of 40,000 per month। अच्छा, अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी प्रोबेशन पीरियड है ऑफ 9 months, तो 9 months में आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी वहाँ पर, उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म होगा, मतलब आपकी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है दे विल बी कंसीडर्ड फॉर कंफर्मेशन अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहती है ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले ओपन करना है www.hindustanpetroleum.com, वहाँ पर आपको दिखेगा एक टैब करियर अपॉर्चुनिटीज़ का, उस पर आप ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी और अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट में जैसे आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, सबमिट क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यू विल गेट अ सिस्टम जनरेटेड 12-digit एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल के रखना है, इंपॉर्टेंट है, विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फ्यूचर रेफरेंस थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको प्रिंट आउट ले लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, और अगर आपका सबमिट क्लिक नहीं, मतलब सबमिट वाला ऑप्शन अगर नहीं आता है, तो आपकी जो डिटेल्स है वो इनकम्प्लीट ही मानी जाएगी, तो अपना जो ध्यान से फिल करना। और जो पेमेंट है, पेमेंट कितनी है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ ₹590, तो जो फॉर्म है वो 590 का है, इसमें आपका GST भी लग गया 18%। उसके बाद हाउएवर बैंक चार्जेस ऑफ ₹35 ये भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट मोड यू सेलेक्ट। तो यहाँ पर जो ये 590 है ये बाकी सारी कैटेगरीज के लिए है, और जो SC, ST and PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फी नहीं है, उनके लिए फ्री है फॉर्म। अच्छा, अभी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ये है कि आप पेमेंट थ्रू चलान एट SBI, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, मतलब आप क्या करेंगे आप जहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे अपना, तो वहाँ पर ना एक चलान जनरेट होगा, आप उसका प्रिंट आउट लेना है,
एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक बैंक कॉपी होगी, तो उसको आपको प्रिंट आउट लेना है, फिल करना है, जाके वहाँ पे SBI में उनको दिखाना है, वो सारा फिल करेंगे, वहाँ पर आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपको दे देंगे वापस, उसको आपको संभाल के रखना है। और जैसे आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन 1 to 2 working days आपकी जो पेमेंट है मतलब वो HPCL तक पहुँच जाएगी, और उसके बाद जो आपका स्टेटस है एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो आपको उसका ध्यान रखना है, वेट करना है इस चीज़ के लिए। उसके बाद एक तो ये वाला है कि आप चालान के थ्रू पेमेंट करें, दूसरे वाला है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। तो इस वाले ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करके डायरेक्टली पेमेंट कर देनी है। अगर पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन इमीडिएटली वहाँ पर नहीं आता है पेमेंट होने के बाद, तो आपको ट्राई करना है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, मतलब आपको चालान के थ्रू पेमेंट करनी है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि जितनी भी एज लिमिट जो भी है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो लोग चेक करेंगे कब, 1 September 2019। तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर से बता रही हूँ, BSc MSc कंप्लीट हो जानी चाहिए इस वाली डेट तक। मुझसे वापस से मत पूछना मैम फाइनल सेमेस्टर में है तो फिल कर सकते हैं या नहीं, तो ये अपना देख लेना। उसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी टू HPCL। आपको कुछ भी बाय पोस्ट नहीं भेजना है HPCL के पास, और जो रिटर्न टेस्ट का जो कॉल लेटर भी आएगा, एडमिट कार्ड जो भी आएगा, वो भी आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं आएगा, आपको साइट से ही जाके डाउनलोड करना है। इसीलिए टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना, साइट को विजिट करते रहना अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना, क्योंकि देखो वो फॉर्म ऑब्वियसली 590 का है, तो ध्यान से पहले फिल करना क्योंकि वो रिफंड नहीं होगा बाद में। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मे ऑल्सो बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द सब्सिडरी और एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर, तो जो SC ST कैंडिडेट्स हैं या फिर PWD है, उनके लिए सेकेंड क्लास रेल फेयर जो है वो आपको मतलब वापस मिल जाएगा, उनके लिए ध्यान रखना है आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन बस ये बात है कि जो डिस्टेंस जो आप ट्रैवल करेंगे अपने घर से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 30 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अगर आपका डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ये आपको मतलब जो पेमेंट, जितने पैसे आपको लगेंगे टिकट के लिए, वो आपको वापस हो जाएंगे। All the candidates are requested to remain updated on the helpline SMS service for the written test and skill test date and venues by visiting HPCL website. तो बार बार आपको विजिट करते रहना है, वहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको एडमिट कार्ड भी वहीं से डाउनलोड होगा। अच्छा, एक और बात लिखी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट विल बी bilingual इन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब जो पेपर होगा उसमें आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी, एंड द कैंडिडेट्स में अटैम्प्ट आंसर्स इन ईदर इंग्लिश और हिंदी ओनली। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में ही आपको अटैम्प्ट करना है, आपकी मर्जी है, हिंदी में करना है हिंदी में करो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करो। इफ देयर इज एनी वेरिएशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ अ क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन इज टू बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक। तो अगर आपको ऐसा लगता है सेम क्वेश्चन जो इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है दोनों में थोड़ी सी वेरिएशन है, डेटा दोनों का सेम नहीं है, तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसको आप ऑथेंटिक मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये सब था। इस PDF का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फॉर्म फिल करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस वापस से देख लेना, पेमेंट का ध्यान रखना और अपना प्रिंटआउट साथ साथ लेते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।